छपरा स्टेशन पर अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों से स्टेशन प्रबंधन एवं भीड़ प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की। वाराणसी रेल परिचालन में संरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा के त्योहार स्पेशल गाड़ियों के निर्बाध संचालन एवं छठ पूजा के दौरान सतर्कता बरतने हेतु अपर मंडल रेल प्रबंधक ऑपरेशन वाराणसी श्री राजेश कुमार सिंह ने आज दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को बनारस छपरा रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग संरक्षा निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के क्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक ने बनारस छपरा रेलखंड के विंडो ट्रेलिंग के दौरान उन्होंने रेल पथ ओवरहेड ट्रैक्शन कॉशन ऑर्डर एवं सतर्कता आदेशों का सूक्ष्मता से संज्ञान लिया और रेलखंड पर अधिकतम गति से संरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करते हुए छपरा जम पहुंचे। उन्होंने छपरा जम रेलवे स्टेशन का गहन निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने छठ पूजा के लिए बने नियंत्रण कक्ष CCTV मॉनिटरिंग रूम तथा भीड़ प्रबंधन हेतु सर्कुलेटिंग एरिया रैन बसेरा प्रतीक्षालय अतिरिक्त आरक्षित अनारक्षित टिकट काउंटर अग्निशमन उपकरण स्टेशन पर स्थित वेंडिंग का लाइसेंस तथा साफ सफाई वाटर बूथों पर पे जल की उपलब्धता एवं पे एंड यूज शौचालय तथा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े सभी व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने छपरा स्टेशन पर एक बैठक कर छठ पूजा के अवसर पर 24 घंटे मॉनिटरिंग करने एवं सेवा देने हेतु स्टेशन पर संभावित यात्री यातायात वृद्धि के अनुमान के आधार पर छपरा स्टेशन पर अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों से स्टेशन प्रबंधन एवं भीड़ प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें छपरा जम शून्य स्टेशन पर भी किसी भी स्थिति को संभालने के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष से संबंधित अधिकारियों एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा छठ पर्व के दौरान आने जाने वाले यात्रियों की पूर्ण निगरानी करने के साथ ही उनके द्वारा स्टेशन की सभी गतिविधियों की सघन मॉनिटरिंग किए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान छपरा में स्थापित कंट्रोल रूम से छठ पर्व के समापन तक 24 घंटे निगरानी एवं दिशा निर्देश प्रसारित किए जाने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने छठ पर्व के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया है। गाड़ियों का आगमन अपने निर्धारित प्रत्येक शिफ्ट में 2-2 कर्मचारियों एवं बलिया में प्रत्येक शिफ्ट में 1-1 कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। जन संबोधन प्रणाली से तीनों स्टेशनों पर लगातार सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था बुकिंग कार्यालय से करने का निर्देश दिया। 4. छठ पर्व के दौरान प्रमुख स्टेशनों पर लगे सभी रेलवे BSNL फोन एवं कोच गाइडेंस ट्रेन छपरा जम प्लेटफॉर्म से होगा, प्लेटफॉर्म का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में परिवर्तन करना पड़ा तो पर्याप्त ठहराव समय देते हुए गाड़ी संचालन कराया जाएगा। संचालन के परिवर्तन की पूर्व सूचना न्यूनतम 15 मिनट पूर्व स्टेशन मास्टर द्वारा पूछताछ कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। 2. छपरा सीवान बलिया एवं गाजीपुर सिटी स्टेशन में अधिक से अधिक अनारक्षित टिकट आरक्षण काउंटर निरंतर कार्य करेंगे। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त काउंटरों से टिकट वितरण की व्यवस्था कराई जाए। 3. CIT छपरा एवं सीवान द्वारा पूछताछ खिड़की पर डिस्प्ले बोर्ड अनाउंसमेंट सिस्टम समेत सभी उपकरण लगातार कार्यरत रखे जाने का निर्देश दिया। 15. स्टेशन अधीक्षक छपरा के कक्ष में नियंत्रण कक्ष कार्य करेगा, जिसकी मॉनिटरिंग अधिकारियों द्वारा किए जाने। 6. छठ पर्व संबंधित सभी स्टेशनों पर विद्युत तथा जल की निर्बाध आपूर्ति साफ सफाई के साथ सुनिश्चित किए जाने। 17. छठ पर्व संबंधित सभी स्टेशनों के पैदल उपरिगामी पुल आगमन एवं प्रस्थान द्वार बुकिंग विंडो पर लाइन लगवाने तथा प्लेटफार्मों पर भीड़ को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाने। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को छठ पूजा में रेल यात्रियों से अत्यधिक भीड़ से निपटने के लिए यात्रियों को कतार बंधकर टिकट लेने और गाड़ियों के कोचों में चढ़ाने का दिशा निर्देश दिया। 8. छठ पर्व के दौरान चलने वाली सभी गाड़ियों के कोच में पर्याप्त जल आपूर्ति विद्युत प्रकाश व्यवस्था एवं साफ सफाई विभिन्न विभागों द्वारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 9. छठ पर्व संबंधित सभी स्टेशनों पर अल्ले की टीम साफ सफाई एवं चिकित्सा व्यवस्था हेतु चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल टीमों को निर्देश दिया। इसके उपरांत उन्होंने छपरा कोचिंग डिपो का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छपरा कोचिंग डिपो का गहन निरीक्षण किया और कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कोचिंग डिपो में अनुरक्षित किए जाने वाले रैकों में सभी प्रकार के सेफ्टी मेजर्स का गहन परीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक L0H0B0 कांचों में स्मोक डिटेक्टर फायर डिटेक्टर और अलार्म का परीक्षण किया और दुरुस्त पाने पर संतोष व्यक्त किया।
उन्होंने छपरा डिपो में अनुरक्षित होने वाले गाड़ियों के रेको के समय पर अनुरक्षण की जानकारी ली। साथ ही कोचिंग डिपो में कार्यरत कर्मचारियों का संरक्षा ज्ञान एवं नए संरक्षा सुधारों के प्रति ज्ञान को परखा। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर चूंग सी यशवीर सिंह, मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री रमेश पांडेय, मंडल परिचालन प्रबंधक श्री रतन पी गुप्ता, मंडल विद्युत इंजीनियर श्री रामदयाल, मंडल यांत्रिक इंजीनियर प्रेम सेन श्री अभिषेक कुमार, सहायक सुरक्षा आयुक्त छपरा श्री एम के पवार, कोचिंग डिपो अधिकारी श्री अजीत कुमार, स्टेशन डायरेक्टर श्री राजेश प्रसाद सहित वरिष्ठ पर्यवेक्षक तथा स्टेशन के कर्मचारी उपस्थित थे।